अमृत जी नमस्कार। नमस्ते सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। जी, सबसे पहले मैं आज आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन के तौर पर। जो हमारे विद्यार्थी यहां पर सीखते हैं, आपके गुरु भाई होंगे, मैं उन सब के लिए आपसे कुछ पूछूंगा और आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगा। और आप हिंदुस्तान से बहुत दूर है, यूएसए पोर्टलैंड में, तो आपको संगीत की सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उतने दूर से आप यहाँ जुड़ गए? इन सब जो ये सब जो बात है, इसके बीच में मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप यूएसए में रहते हैं, अपना परिचय दीजिए आप। सबको पहले नमस्कार। मेरा नाम अमलेंदु प्रभाकर है और मैं यूएसए में ओरेगन स्टेट में पोर्टलैंड सिटी के सबर्ब में रहता हूँ। मैं यूएसए लगभग अब हो गए लगभग 12 साल। 2008 में मैं आया था अपनी पढ़ाई के लिए। मैंने यहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी और अब मैं यहीं पे पोर्टलैंड में इंटेल सेमीकंडक्टर कंपनी है उसमें एक इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूं। और अब मैंने तबला सीखना राजीव सर से अभी शुरू किया है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने पीएचडी की है वहां पर, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको ये तबला सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी और संगीत में इतनी रुचि, हिंदुस्तान से जाने के बाद आपको ये प्रेरणा वहां मिली या बचपन से ही था? जो मेरा इंटरेस्ट परकशन में है वो तो हमेशा बचपन से ही था, क्योंकि मैं हमेशा वो अपने घर में टेबल को पीटता रहता था और मम्मी को परेशान करता रहता था। तो मेरा इंटरेस्ट कुछ बजाने में परकशन बचपन से था, लेकिन कहीं 2000 के आसपास मैं सहजयोग ध्यान से जुड़ा, तब वाओ से मैंने शास्त्रीय संगीत सुनना शुरू किया। और शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि पहले वैसे तो कोई जनरली सुनता नहीं है और उसमें इंटरेस्ट जी डेवलप जी करना पड़ता है, तो धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत सुन के उसके उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और क्योंकि चूंकि परकशन से हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो तबला मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो मैं जब किसी का तबला सुनता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल ध्यान में ले जाने में बहुत मदद करता है। तो इंटरेस्ट नहीं, था बहुत लेकिन अच्छा। मौका कभी नहीं मिला सीखने हाँ, का। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके भी मुझे अच्छा लगता है। जब भी मैं आपसे क्लास में कनेक्ट होता हूँ तो मुझे भी आनंद आता है, जितना आपको आता होगा मुझे उससे ज्यादा आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये तो सर संयोग की बात है। पता नहीं, मैं तबला तो सुनता रहता हूँ YouTube पे और इसी तरह आपका चैनल मिला। और आपके चैनल पे जो मुझे सबसे सुंदर बात नजर आई कि आप जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं बड़े प्रेम से, और अरे जो छोटे बच्चे इतना अच्छा बजाते हैं, और आपका सिखाने का जो तरीका है जो बिल्कुल ही बिगनर है उससे लेके जो बिल्कुल एडवांस लेवल के आपके स्टूडेंट्स हैं उन तक, वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया सर। मुझे लगा कि आप वाह, मुझे एक बच्चे से लेके उस एडवांस लेवल तक ले जाने में मेरी गाइडेंस कर सकते हैं और आपसे जुड़ने की मुझे इच्छा हुई। थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे चैनल में आपने किन किन बच्चों से प्रभावित हुए, कुछ का नाम बताना चाहेंगे आप? बहुत सारे बच्चे हैं सर। मुझे जो आप अभी हरमन सिंह जी हैं जो थक थक के तबला बजाते हैं बहुत बहुत ओमकार प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। जी बाबू हैं जो इतना छोटा है वो इतनी अच्छी संगत दे रहे हैं। और जी फिर आपके जो और बच्चे हैं जैसे गुरजस जी हैं जो इतना अच्छा गुर्जर। तबला बजाते हैं। फिर अभी मुझे ऐसे नाम और याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके कई बच्चों को मैं आपका हर वीडियो सुन चुका हूँ, हर बच्चे को सुन चुका हूँ और सबसे बहुत प्रेरणा अच्छा, मिलती है मुझे। बहुत बढ़िया। और आप ये बताना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, किस जगह हिंदुस्तान से? में मेरी परवरिश और मैं पला बढ़ा अयोध्या के निकट एक बहुत छोटी सी जगह है मनकापुर,
वहां मेरे मैं पढ़ा बढ़ा, मेरे माता पिता जयनगर मधुबनी बिहार से आते हैं, और लेकिन अब वो लोग लखनऊ में सेटल हो गए हैं। मेरे पिताजी बैंक में कार्यरत थे और अब वो रिटायर हो गए हैं, तो अच्छा, अभी मेरे माँ बाप लखनऊ में हैं और अब तो मैं यहाँ पोर्टलैंड आ गया हूँ। आपको ये भी पता चला कि मैं भी बिहार आपके घर के नजदीक से ही हूँ, जी, ये कब पता चला आपको? ये मुझे अंदाजा था वो आपका नाम सुन के, क्योंकि झाजी हम लोगों के आसपास कई रहे, तो मुझे अंदाजा था, अच्छा, लेकिन जब आपसे बात हुई और पता चला तो और खुशी मुझे ज्यादा हुई जान मुझे तो अच्छा लगता है कि जब आप क्लास में मैथिली बोलते हैं तो मुझे के। बहुत आनंद आता है। 1 घंटा मैथिली बोल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खासकर आज आपके क्लास में मैं बाहर बैठा हूँ कि अंदर में कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं बाहर आ गया हूँ और वो भी स्ट्रीट लाइट के सामने बैठा हूँ अपने घर के सामने, ताकि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको सीखने में कोई असुविधा ना हो। बहुत जी अच्छा लगा। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वहां से प्रयास, क्या कहते हैं कि आप पोर्टलैंड से इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अब यहाँ के गुरु भाइयों के लिए कि हम तो उनके बहुत निकट हैं, गुरुजी उनके निकट हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आप? मैं सभी गुरु भाइयों को और जो लोग भी सीखना चाहते हैं, जिनके मन में है कि वो तबला सीखें लेकिन वो कदम उठा नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में सीखने की ललक है तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि होता यह है कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में व्यस्त होते जाएंगे, ये आपको जो अपॉर्चुनिटी है सीखने का, समय है, वो हमेशा कम से कम होता जाएगा। तो आज जब सब कुछ आपके निकट है, समय आपके पास है, तो जरूर सीखिए, और अगर आप राजीव सर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, तो उनसे जरूर सीखिए, क्योंकि उनसे सीखने का जो मुझे एक यूनिकनेस लगी उनकी, कि उनमें कला तो है ही, लेकिन जो सिखाने का उनके अंदर पैशन है, जो टीचिंग का पैशन है, वो पैशन बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे जब वो क्लास लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि समय क्या हो रहा है और हम लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, वो क्लास में उनको आप देखते हैं कि वो आपसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। तो वो जो पैशन है उनका, वो पैशन आपके ऊपर आता है और वो आपको फिर पुश करता है कि आप और अच्छा करें, अच्छे से अच्छा करें। तो मैं सभी गुरु भाइयों से यही कहूंगा कि आप इनके पैशन को अपनाइए और जो अभी सीखना चाहते हैं वो सीखिए और खूब आगे बढ़िए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि थोड़ी सी मेरी तारीफ ज्यादा हो गई इसमें? जी नहीं सर, आपका पैशन, उसके लिए आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे दो सब मैथिली में भी बात करना चाहूंगा कि जहां से आप बिलोंग करते हैं, मैं भी वहीं से हूँ, तो शायद हमारे चैनल पर और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो मैथिली भाषा जानते होंगे या नहीं, एक दो जानते भी हैं हमारे विद्यार्थी और यहाँ दिल्ली में भी हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि अपनी मातृभाषा में हम दो शब्द आपसे बात करें। क्लास अहाँ के करे में केहन लागल? हमरा क्लास करे में बड़ नीक लगे छे सर, बट हम सबसे कहल चाहे छी कि हमरा मैथिली नीक से बाजे नहीं आवे, तो क्षमा करवे। अहाँ मैथिली सबसे निक बाजे छी, हमरा से बढ़िया तो मैथिली यही बाजि रहल छी। नहीं सर, कमाल, वाकई में कमाल छे जी। प्रभाकर जी, अहाँ लग ढोलक और तबला सेहो अछि, अहाँ जी तबला के कोनो बोल बाजि के सुना सकै छी, कोनो कायदा, एकटा प्रारंभिक कोनो कायदा मुँह से सुनाओ जी सब प्रारंभिक कायदा 3 ताल में सुना रहल छी। जी। धा धा ते टे, धा धा तिन्ना, ता ता ते टे, धा धा धिन्ना, धा धा। और भी चाहूंगा कि एक दो और भी कायदा आप सुनाएं, जी दूसरा कुछ और। धा धा तेर केट, धा धा तिन्ना, ता ता तेर केट, धा धा धिन्ना, घे घे ते टे,
घे घे नाना के ते टे घे घे नाना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रभाकर जी। एक धाधा तेते धाधा तिन्ना मैं सुनना चाहूंगा तबला पे, आप कैसे कैसा बजाते हैं प्लीज एक बार जी बजा के दिखाइए। जी मैं तबले तक ले जाता हूं अपना ये। जी जरूर जरूर। गलती के लिए क्षमा चाहूंगा। तिन्ना ता ते दा घिन्ना दा ते दा तिन्ना ता ते दा घिन्ना दा ते दा तिन्ना ता ता ते दा दा तिन्ना दा दा ते रखीत दा तिन्ना ता ते रखीत दा तिन्ना। बहुत बढ़िया प्रभाकर जी। आपके पास ढोलक है, ढोलक में कोई कहरवा में कुछ धुन एक एक कुछ बजा दीजिए। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके भी और आपसे आपके साथ जुड़ के भी, क्योंकि आप में ना सीखने की जिज्ञासा बहुत है और यही जिज्ञासा आपको आगे तक ले जाएगी। और मेरा प्रयास यही है कि आप अपने जो आपका ये सीखने का पैशन है इसको कभी ना मरने दें और ऐसे करते रहें। बहुत अच्छी बात है कि आप वहां से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से क्लास लेते हैं। एक कुछ कहरवा में और ढोलक पे कुछ सुनाइए। जी कहरवा में मैं भी प्रारंभिक बोल जो होते हैं वो सुना रहा हूं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छा प्रभाकर जी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप मेरे कहने पर इतना बजाए, सब कुछ किया। आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आप ऐसे ही सीखते रहें। और मैं यही कहूंगा कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। आप सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं, बस अब चढ़ना बाकी है। बस बस चलते आशीर्वाद चलते बनाए हम रखिए लोग, सर। हाँ हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। जी सर।